भारतीय सेनाओं में शामिल सैन्य अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के प्रस्ताव पर मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया के बाद अब डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री अफेयर्स ने इस प्रस्ताव को 2021 में लागू करने की तैयारी कर ली है। सरकार के सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि कर्नल, ब्रिगेडियर और मेजर जनरल रैंक के अधिकारियों और सेना नौसेना के साथ उनके समकक्ष अधिकारियों की सेवानिवृत्ति का आयु क्रमशः 3, 2 और 1 साल तक बढ़ाई जाएगी। सूत्र के मुताबिक यह फैसला सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व वाले प्रमुख विभाग द्वारा लागू किया जाना है। यह अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में 1 अप्रैल 2021 को लागू किया जा सकेगा। सेना में काम करने वाले कुशल लोगों को और अधिक समय तक सेना में बनाए रखने के लिए यह प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसे अब लागू करने की तैयारी हो रही है। प्रस्ताव में वायुसेना और नौसेना में कर्नल और समकक्षों की रिटायरमेंट की आयु बढ़ाने की बात कही गई है। इसे 54 से बढ़ाकर 57 किया जाएगा। वहीं ब्रिगेडियर और उनके समकक्षों को अब मौजूदा 56 वर्ष से 58 वर्ष की आयु में रिटायर किया जाएगा। वहीं मेजर जनरल के पद पर काबिज अधिकारी 59 वर्ष की आयु में रिटायर होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल पद पर रिटायरमेंट की उम्र 60 साल बनी रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं लॉजिस्टिक, टेक्निकल और मेडिकल ब्रांच में जूनियर कमीशन ऑफिसर और जवानों की रिटायरमेंट की उम्र 57 साल कर दी गई है। इसमें भारतीय सेना की ईएमई, एएससी और एओसी ब्रांच भी शामिल होंगी। ये सभी प्रस्ताव जल्द से जल्द लागू किए जाएंगे। संबंधित लोगों से इस पर चर्चा की जा रही है। रक्षा मंत्रालय के तहत बनाया गया नया विभाग मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफिसरों की रिटायरमेंट एज बढ़ाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा था। साथ ही प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेने पर पेंशन काटने का भी प्रस्ताव है। मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट से 29 अक्टूबर को एक पत्र जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 10 नवंबर तक इस संदर्भ में ड्राफ्ट जीएसएल तैयार कर लिया जाएगा। इसे सीडीएस जनरल बिपिन रावत देखेंगे। इस पहल को लेकर माना जा रहा है कि यह सेना के लिहाज से बड़ा कदम है और इससे सेना को भी अच्छा खासा फायदा होगा। सीडीएस चीफ बिपिन रावत जिस तरह से अपनी निगरानी में इन कामों की देखरेख कर रहे हैं, उससे भारतीय सेना को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।